दोस्तों आज मैं आपको भारत के 10 सबसे स्वच्छ शहर के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। फर्स्ट, इंदौर। इंदौर लगातार 4 वर्षों से सबसे स्वच्छ सुंदर शहर का खिताब लिए हुए है। यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। जब आप शहर के पर्यटन आकर्षण जैसे रजवाड़ा पैलेस का पता लगाने का निर्णय लेते हैं तो यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। नियोजित अपशिष्ट पृथक्करण, रूपांतरण और निपटारण के लिए इंदौर सबसे ऊपर है और यह बहुत ही सुंदर शहर है। सेकंड, सूरत। सूरत भारत के पश्चिमी क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। सूरत गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो डायमंड कटिंग हब्स और टेक्सटाइल हब भी है। सूरत को फ्लाईओवरों का शहर, रेशम शहर और हीरा शहर जैसे नामों से जाना जाता है। कुछ सालों पहले तक सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों ने सूरत को इंडिया की टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी में से एक बना दिया है। थर्ड, नवी मुंबई। इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी में थर्ड रैंक प्राप्त नवी मुंबई महाराष्ट्र के पश्चिम में स्थित है। नवी मुंबई भारत का तीसरा और महाराष्ट्र का पहला सबसे स्वच्छ शहर है। नवी मुंबई ने पिछले साल की रैंकिंग में 7वां स्थान हासिल किया था, लेकिन नवी मुंबई ने अपनी स्थिति में सुधार किया और वर्तमान में यह तीसरा सबसे स्वच्छ शहर है। फोर, अंबिकापुर। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ राज्य का एक छोटा शहर है जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार यह भारत का 14th सबसे स्वच्छ शहर है। हालांकि यह 2019 में दूसरे स्थान पर था। आप जानकर चौंक जाओगे कि इस सिटी में कोई भी डंपिंग यार्ड नहीं है जो अपने 90% कचरे को रिसाइकल करने में कामयाब होता है। 5, मैसूर। कर्नाटक का सबसे स्वच्छ शहर मैसूर भारत का 5वां सबसे स्वच्छ शहर है। कर्नाटक का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर होने के बावजूद भी मैसूर अपनी स्वच्छता को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है। इस शहर में 0 वेस्ट प्लांट वर्कर हैं। सभी घरेलू कचरे को अलग अलग श्रेणी में बांटकर इसका निस्तारण करते हैं। यही वजह है कि शहर लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक बना हुआ है। 6, विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश राज्य के केंद्र में स्थित विजयवाड़ा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का 6वां सबसे स्वच्छ शहर है। विजयवाड़ा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, इसके बावजूद भी यह अपनी स्वच्छता को काफी हद तक बनाए रखने में कामयाब रहता है। 2018 में विजयवाड़ा को ISO 37120 प्लेटिनम लेवल से सम्मानित किया गया है। 7, अहमदाबाद। भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाने वाला यह स्वच्छ और संपन्न प्रभावी अपशिष्ट पृथक्करण और निपटारण के लिए भारत का 7वां सबसे स्वच्छ शहर है। कांकरिया झील महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी का निवास स्थान साबरमती आश्रम यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। 8, नई दिल्ली। जी हाँ, आपने सही सुना, नई दिल्ली भारत के टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी में से एक है। यह वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के NDMC के अथक प्रयासों के कारण संभव हुआ है। इसमें पटाखों पर प्रतिबंध लगाने, निर्माण कार्यों को सीमित करने, सम विषम वाहन रोटेशन योजनाओं पर प्रतिबंध लगाकर किया है और नई दिल्ली भारत का 8वां सबसे स्वच्छ शहर है। 9, चंद्रपुर। महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से में शहर चंद्रपुर भारत का 9वां सबसे स्वच्छ शहर है। यह शहर प्रकृति और स्थापत्य प्रेमियों के बीच वांछनीय छुट्टी गंतव्य भी है। चंद्रपुर के पठानपुरा गेट, जुनोजा झीलें, तांडोवा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान और भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। 10, खरगोन। इंदौर के अलावा खरगोन मध्य प्रदेश राज्य का एक और ऐसा शहर है जो भारत के टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी में से एक है। खरगोन भारत का 10वां सबसे स्वच्छ शहर है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। यह छोटा और खूबसूरत महानगर तेजी से बढ़ते हुए पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुका है। आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।